सो अभी एकदम से बहुत क्लाउडी हो चुका है, काफ़ी बढ़िया क्लाउड्स थे, तो मैंने सोचा वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, बार बार स्टूडियो में ही वीडियो स्टार्ट होती है, हमारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको अभी टाइम लैप्स का दिखाऊंगा पूरा सेटअप में क्या यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप मेरे पीछे क्लाउड्स देखोगे अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, सन क्लाउड के पीछे जा रहा है आ रहा है, तो उसका मैं टाइम लैप्स निकाल रहा हूँ और मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ एक बार। सो राइट नाउ ये है मेरा सेटअप जो ऑलरेडी टाइम लैप्स पे है, आपको दिख जाएगा ये शूट हो रहा है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 7200 का लेंस, 70mm पे है, और सेटिंग्स अभी जो टाइम लैप्स के लिए वो F16 ISO 100 और शटर स्पीड 1/320, और ये कुछ सीन है। सो नाउ इन्जॉय द टाइम लैप्स और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आई होप यू इन्जॉय द टाइम लैप्स जो अभी आपने देखा होगा। दो तीन शॉट्स मैंने डाले हैं, आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा अभी इस चैनल पे। मैं अपना कंटेंट थोड़ा चेंज करने लगा हूँ, धीरे धीरे करूँगा। कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, व्हाई नॉट टू डिलीट योर मोबाइल फ़ोटोज़। और वो मुझे आइडिया कैसे आया, अभी 10 मिनट पहले मैं नीचे था स्टूडियो में और मैं मोबाइल में कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा था, और वहीं मुझे लगा कि कई बार क्या होता था स्टार्टिंग में सेम डे फोटो क्लिक करके मैं डिलीट कर देता था। आप भी कमेंट करके बताना आप से कितने ऐसे लोग हो जो फोटो क्लिक करते हो और बाद में जो अच्छी नहीं लगती वो डिलीट कर देते हो। बिकॉज कई बार क्या होता है जब हम अपनी फ़ोन से फोटोज़ लेते हैं कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जैसे कि कलर्स, फ्रेमिंग, एक्सपोजर और शार्पनेस। तो मैं ट्राई करूँगा आपको वो जो इश्यूज़ हैं उनसे कैसे निकलना है एडिटिंग स्टेज में वो बता सकूँ। तो अब एग्जांपल लेते हैं ये पहली फ़ोटो का। अब यहाँ पे आपको कैट दिख रही है और आसपास आप अगर एनवायरनमेंट थोड़ा सा नोटिस करोगे तो कुछ अनवांटेड एलिमेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो को क्रॉप करना पड़ेगा। बट क्रॉपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम सिंपल रूल है कि जो भी एलिमेंट्स अनवांटेड हैं और आपकी फ़ोटो में कुछ ऐड नहीं कर रहे, चाहे वो स्टोरी टेलिंग में या फिर कुछ ज़्यादा ऐसा एम्फेसिस नहीं डाल रहे, आप उसको हटा सकते हो, उसको आप क्रॉप कर सकते हो। अब इस फोटो में जैसे मुझे दिख रहा है कि आगे की तरफ फोरग्राउंड में कुछ थर्माकोल का बोर्ड पड़ा हुआ है जो उस टाइम मैं फोटो लेते हुए नहीं हटा सकता था, अदरवाइज जो कैट है या तो वो मेरे ऊपर झपट्टा मारती या वहाँ से चली जाती। तो मुझे ये फोटो लेना था, मैंने सोचा इसको बाद में क्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला कार्डबोर्ड वाला एरिया है थर्माकोल वाला, इसको हम क्रॉप कर देंगे और ऊपर से इमेज थोड़ा क्रॉप कर देंगे, डिपेंडिंग आपको कैसा एस्पेक्ट रेशियो चाहिए। अभी अगर इंस्टाग्राम पे जाएगी तो हम इसको 4:5 में इस तरह से क्रॉप करके, और अब देखो इस इमेज को सीधा जो आपका एम्फेसिस है वो कैट की आईज पे जाएगा और ये जो मेरा पूरा फ्रेम है वो फिल हो चुका है इस एलिमेंट से। अब हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। आप देखोगे ये एक बहुत अच्छा फ्रेम है जहाँ पे मुझे क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने क्या करा अपने मोबाइल से थोड़ा सा जूम करा और एक फ़ोटो ले लिया। अब आप फोरग्राउंड में देखोगे ये जो बिल्डिंग है कुछ उसका एक्सपोजर दिख रहा है और देखने में कलर्स भी उतने अच्छे नहीं आए, आपको शेडोज और ब्लैक्स के साथ खेलना है अपने फोरग्राउंड में जो एक्सपोजर है उसको मेंटेन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं शेडोज़ और ब्लैक्स को नीचे लाता जाऊँगा, पहले शेडोज़ को लाऊँगा फिर ब्लैक्स को, टू मेक श्योर कि जो मेरा यहाँ पर हल्का बहुत एक्सपोजर है बिल्डिंग में वो एकदम डार्क हो जाए। ये मेरा रिक्वायरमेंट है, आपको जैसे रिक्वायरमेंट रहे उस सिचुएशन में आप कर सकते हो, बिकॉज यहां पे मैं सिल्वेट इफेक्ट अचीव करना चाह रहा हूं। तो ठीक है, हमारा फोरग्राउंड इशू हो गया। अब हम आते हैं स्काई के कलर्स पे। अब देखो स्काई में अगर आपको कलर्स निकाल लेना, मैं कुछ सिंपल स्लाइडर्स आपको बताता हूं जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। सबसे पहला है डीहेज, डीहेज से ट्राई करो, अगर हो सके तो आपको स्काई में थोड़ा अच्छा कलर मिल सकता है हेज को एलिमिनेट करके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कलर्स में जाके HSL स्लाइडर्स पे जाओ और वहाँ पे जो जो कलर्स आपको स्काई में दिख रहा है उसका सैचुरेशन आप बूस्ट करते जाओ, और यहाँ पे आप देखोगे अब जो स्काई में डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज होने लग गया है। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगे थोड़े और कलर बूस्ट करने हैं, हल्का सा जाके सैचुरेशन बूस्ट कर देना ऑल ओवर और आपको इमेज में यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस दिख जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज, ये है मुंबई का वर्ली सीलिंग, बहुत फेमस स्पॉट है, और यहाँ पे मैंने ये मोबाइल फ़ोटो लिया। अब अगेन जब हम मोबाइल से नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं तो इतना हमें जो इमेज में ना क्लैरिटी नहीं दिखता जो आप नॉर्मली सोशल मीडिया पे देखते हो, और ये एक ऑनेस्ट चीज़ है कि जब भी आपको एक फ़ोटो इंटरनेट पे देखोगे एक फोटोग्राफर की वो मोस्टली रिटच या एडिटेड होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हल्का सा इसको बूस्ट देने के लिए आप क्लैरिटी और टेक्सचर, ये दो ऐसे स्लाइडर्स हैं लाइट रूम में, अगर आप इसको यूज़ करना और एक अच्छा वेल बैलेंस्ड यूज़ सीख जाओगे ना, आप एक फ़ोटो जो इतनी शार्प नहीं है उसको भी शार्प लुक दे सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊँगा, पहले टेक्सचर को थोड़ा बूस्ट करो, क्लैरिटी को कम बूस्ट करना, बिकॉज क्लैरिटी कई बार इमेज को बहुत
नकली सा इफेक्ट दे देती है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद हल्का सा पंचीनेस देने के लिए आप थोड़ा सा इस तरह की फोटोज में डीहेज बढ़ा सकते हो, जहाँ पे आप सिटीस्केप या लैंडस्केप की फोटोज ले रहे हो, ताकि आपको जो स्काई में है वो थोड़े कलर्स वापस दिखने शुरू हो जाए। लास्ट में मैं इस इमेज की बात करूंगा जो एक मेट्रो स्टेशन के बाहर है और आगे एक ह्यूमन एलिमेंट जो मुझे दिखा, और जब मैं अपनी आंखों से देख रहा था ना, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपोजर और डायनामिक रेंज दिख रहा था। बट आपको पता है स्मार्टफोन में जो डायनामिक रेंज है काफ़ी लिमिटेड होती है। अब उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? लाइटरूम में इस फोटो को लेके जाएंगे, शैडो और ब्लैक्स को हल्का सा हम रिकवर करेंगे, और आप अब देखोगे जैसे ही मैं स्लाइडर्स को राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो मेरी अब जो डिटेल्स हैं जो बहुत डार्क थी यहाँ पे वो रिकवर हो पा रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही डार्क एरिया को एकदम ब्राइट बना सको, वो एक स्मार्टफोन का लिमिटेशन होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपने देखा हल्का सा रिकवर हो चुका है, बट फिर भी अभी इमेज उतना एम्फेसिस और उतना बढ़िया इमेज नहीं दिख रहा। तो इस तरह की फोटोज में आप क्या कर सकते हो, हल्का सा वाइट बैलेंस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइट बैलेंस को हल्का सा वार्म लेके चले जाऊँगा, और अब आप इस इमेज को देखो कितना ज़्यादा एम्फेसिस लेके आ रही है, जो शायद एक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं दिख रहा था। सो इस फोटो से मैं यही करना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं हमें वैसा ही दिखाना है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो चीज़ देन इट्स गुड, बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और आप कहीं सब्जेक्ट के पास जाने में हिचकिचाते हो या उस टाइम पे अच्छी इमेज नहीं ले पा रहे, तो ये कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके आई एम श्योर आप अपनी फोटोज़ को बेटर दिखा सकते हो सोशल मीडिया पे, रादर देन डिलीटिंग योर फोटोज। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप में से सिर्फ 50-60% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, बाकी लोग सिर्फ आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इस तरह की और वीडियोस देखनी है, सो यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।